गाइस, माय नेम इज सोहेल रजाई और वाचिंग माय चैनल द रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास ल्यू प्योर का इन्वर्टर एसी है और उसमें P8 करके एरर शो हो रहा है, तो P8 एरर क्यों आता है, इसकी मीनिंग क्या है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते, कैसे पता लगा सकते हैं किस चीज का एरर है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है फ्रिज जैसी वॉशिंग मशीन में, कुछ दिक्कत है आपको या मुझसे कुछ सजेशन चाहिए या डिस्कस करना है या कुछ भी बात मुझसे करनी है किसी भी सब्जेक्ट पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हूँ। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए, उसमें मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे ल्यू प्योर इन्वर्टर एसी में P8 करके एरर आ रहा है। तो एरर है गाइस, आपका आउटर कॉइल जो है वो ओवरहीट प्रोटेक्शन का ये एरर है। तो इसमें यह है कि मीनिंग इसकी ये होगी कि आपका आउटर काफी ज्यादा हीट हो जा रहा है। तो हीट होने के दो कारण थे गाइस, मैं आपको बताता हूं। पहली चीज ये कि आपका आउटडोर यूनिट में जो कॉइल है वो बहुत ही ज्यादा उसमें डस्ट भर गया है, जिससे वो गर्म हुआ जो है आपका आउटडोर फेंक नहीं पा रहा है फैन के थ्रू। तो आपको पहली चीज ये करना है कि अपने आउटडोर यूनिट का जो कॉइल है उसको अच्छे तरह वाटर वॉश कर दीजिए, अच्छे से उसको क्लीन कर दीजिए, तो ये एरर हट जाएगा P8 का। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि आप अपने आउटडोर यूनिट को किसी ऐसी जगह पे लगा दिए हो, या तो वो 5 फीट आउटडोर जो अपन लगाते हैं तो उसमें होता यह है कि उसकी जो एयर थ्रो है वो 5 फीट निकल जाना चाहिए, 5 फीट एकदम डायरेक्ट मारना चाहिए। ये नहीं कि उसको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आउटडोर ऐसी जगह पे लगा दिए हैं जहां पर आपका जो हीटिंग जो आउटडोर हीट फेंक रहा है वो सर्कुलेट कर रहा है आपका आउटडोर में, हीट फेंक के वापस उसी हवा को वो सर्कुलेट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आपका आउटडोर जो लगा हुआ है वो एकदम क्लीन हवा फेंकना चाहिए, सामने उसकी कोई भी वॉल वगैरह नहीं होनी चाहिए, वो क्लियर हवा फेंकेगा तो भी इससे हीट नहीं होगा। तो ये दो कारण है, अगर आप इसको चेक कर लेते हैं और दूर कर लेते हैं, आप आउटडोर को खुले स्पेस में लगा देते हैं या फिर कंडेंसर कॉइल आपका जाम है, तो ये दो तरीके से P8 एरर आएगा। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कर दें।